मुखिया जी ने कितना किया विकास, क्या इनके विकास कार्य से स्थानीय जनता है संतुष्ट। हम दिखाएंगे आपको वार्ड से लेकर टोला महला का विकास, कितना हुआ विकास और कितना हुआ विनाश, सिर्फ और सिर्फ न्यूज फॉर लाइफ। सिवान के हसनपुरा प्रखंड के उसरी पंचायत के मुखिया पायल देवी है। मुखिया प्रतिनिधि छोटेलाल साह के माने तो 5 साल के कार्यकाल में लोगों को वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड बनवाने के साथ सभी वार्डों में नाला, सड़क, पक्की नली, गली, नल जल जैसी योजनाओं को पूर्ण रूप से धरातल पर उतारकर चौमुखी विकास करने का काम किया गया है। वहीं जब हमारी टीम पंचायत में किए गए विकास को लेकर ग्रामीणों से बातचीत किया तो कुछ ग्रामीणों ने मुखिया जी के कार्य से संतुष्ट नजर आए, लेकिन वहीं कुछ लोगों ने सड़क की कमी बताई तो कुछ लोगों ने नल जल कार्य के दौरान सड़क की खुदाई हुई थी जिसका मरम्मत नहीं होने से आने जाने की दिक्कत होने की बात कही। जमीन नहीं हम लोग का, सिर्फ पुराने का जमीन है और हम लोग का ना राशन मिलता है ना किराशन मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है। हम लोग मजदूर आदमी है और कई मरतबा हम लोग ब्लॉक पर भी दिए थी मगर इसका कोई सुनवाई नहीं हुआ। हम भी राशन कार्ड नहीं खेल ना 250 रुपया दिले बनी राशन कार्ड बनवावे खातिर मुखिया जी से बात ना। मुखिया जी 4 बार कहले बनी तो मुखिया जी एगो फाइल पर लिख के दलन के जाओ अथी से डीलर से मांगो। डीलर कौन का हम नहीं देंगे पूरा गया है उसको ढलवाएंगे नहीं है की पूरा सुचारू रूप से चल रहा है सब चीज ठीक। कहाँ चल रहा है महाराज, कितना दिन नल जल का काम हो गया अभी तक रोड ढलाया नहीं। सर जहाँ तक मैं जानूँ मेरा 12 नंबर वार्ड पड़ता ही है और इसमें मिला जुला के सब काम हुआ है। एक काम थोड़ा लाइट का है, वो स्ट्रीट लाइट वाला, वो भी समथिंग हम लोग का लिख के गया है, पोल पे लगाना है, वो भी लग जाएगा। बाकी सब कुछ जो देख ही रहे हैं आप, ये सब PCC वहीं कराए हैं, ये नाला, ये सब नाला और सब कुछ वहीं कराए हैं। ठीक है, शिक्षा को लेकर आप अपने पंचायत में अपने वार्ड में किस तरह से क्या देख? जी शिक्षा की कमी है यहाँ पे और अभी तो कोरोना का ई चल रहा है तो सब स्कूल वगैरह बंद है, लेकिन शिक्षा में थोड़ा सुधार की जरूरत है यहाँ पे। तरफ कुली सब जाकर नाला वाला सब कुली निकलवाए हैं, उधर काम हम करवाए हैं, जो भी काम सब चीज हुआ है, जल नल के नल हम लोग की तरफ से पानी वानी कुली सब चीज माने हम लोग घर तरफ जी सब। वही मुख्य प्रतिनिधि छोटेलाल साह ने पंचायत में अधूरे कार्य को जल्द ही पूरा कर लेने की बात बताई। 5 साल में जो भी काम है धरातल पर है, हर गली में नाला, सड़क ब्लॉक, नल जल हुआ है और इसके बाद जहाँ भी जाइए देखें वहाँ हर जगह नाला के विकास है, नल जल का विकास है, नल जल का विकास है और बहुत लोगों को वृद्धा पेंशन कराए हैं, 1200 आदमी के वृद्धा पेंशन कराए हैं, विज्ञान कराए हैं, राशन कार्ड मैंने 85% बना हुआ है, कुछ आदमी छूटा है तो उसको भी प्रोसेस में है। जनता इस पर अब कोई भी जनता है उससे पूछ सकते हैं, जो भी है मेरा काम 5 साल का जो भी है धरातल पर है, मैंने धरातल पर है। मुख्यमंत्री का महत्वाकांक्षी योजना नल जल जी, उसके तहत आपके पंचायत में आपके कितने वार्डों में ये धरातल पर है योजना? हमारे यहाँ 13 वार्डों में नल जल लगा हुआ है और 13 में ये वो तो वार्ड में जो काम चल रहा है, बाकी में पानी गिर रहा है, इसमें ये 8 नंबर वार्ड है उसमें सबमर्सिबल जा रहा है, उसके लिए वो बाधित है। अभी 2-4 दिन वो भी ठीक हो जा रहा है, कोई गाय चढ़ा दे रहा है या कोई बच्चा जो है वो उसको नल टूट दे रहा है, फिर दोबारा लगाया जा रहा है उसको, कोई पाइप काट दे रहा है, फिर दोबारा उसमें पीछे हो रहा है, उसका मेंटेनेंस हो रहा है, उसका मेंटेनेंस चल रहा है। जनता से अपील करेंगे जो छोटा मोटा काम है फिर वक्त मिले उसको भी काम को आगे बढ़ा देंगे हम।